आज अवरेकाई बात बनाएंगे। अवरेकाई बात बनाने के लिए एक पाव चावल के लिए एक पाव अवरेकाई छिला हुआ साफ किया हुआ लेंगे। तो उसके लिए सामग्री है अदरक, ग्रीन मिर्ची, अवरेकाई और लवंग, दालचीनी, दो इलायची, इलायची थोड़ा आधा आधा कूट लेना है, धनिया, ग्रीन धनिया, मेथी, पुदीना, टमाटर, तीन टमाटर मैंने ऐसा लंबा लंबा काट लिया है, थोड़ा बड़ा साइज टमाटर, नारियल, आधा नारियल, आधा से भी थोड़ा कम नारियल। अभी चौंक लगाते हैं, तेल डालेंगे, उसके साथ थोड़ा सा एक केवी जितना, छोटा केवी में एक केवी जितना तेल, थोड़ा एक स्पून घी डालते हैं क्योंकि उसमें खुशबू बहुत अच्छा होता है, घी डालने से टेस्ट भी आता है। अभी मैं गरम मसाला सब डाल रही हूँ, दालचीनी, लवंग, इलायची, थोड़ा फ्राई कर लें, ग्रीन मिर्ची, पुदीना और मेथी, ये थोड़ा इसमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। एक मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अवरेकाई डालते हैं, अवरेकाई भी एक मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो तेल में थोड़ा भुन जाता है ना, तो उसका अवरेकाई का खुशबू चावल में बहुत अच्छा होता है। टमाटर डाल रही हूँ, थोड़ा टमाटर भी एक मिनट के लिए भुन लेवे। हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, दो स्पून लाल मिर्ची पाउडर, एक स्पून धनिया पाउडर, इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अपने स्वाद अनुसार लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं, कई ज़्यादा खाते हैं कई कम खाते हैं तो उस अनुसार हम बना डाल सकते हैं। एक मिनट के लिए भूनने के बाद इसको नारियल डाल रही हूँ इसमें, धनिया, ग्रीन धनिया, नारियल, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए चावल, एक पाव चावल, एक पाव चावल में दो पाव पानी, 1:2 पानी डालते हैं। देखिए सब मसाला कितना सुंदर लग रहा है। तो इसमें स्वाद अनुसार नमक डालते हैं, अच्छी तरह से घुमा लेंगे। कुकर ढक के तीन विशिल आएगा, तीन विशिल के बाद देखिए चावल कितना कितना खीरा बना हुआ है, कितना सुंदर है देखने में। अवरेकाई बात रेडी।